गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई विल डिस्कस अ टॉपिक ऑन होनिंग. बेसिकली होनिंग इज अ पार्ट ऑफ अ फिनिशिंग ऑपरेशन, है ना. तो फिनिशिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है आपका होनिंग प्रोसेस. और फिनिशिंग के और भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आप डिफरेंट प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं. तो वो बेसिकली हम लोग होनिंग और दूसरा लैपिंग के ऊपर बात करेंगे. तो पहले अभी हम होनिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, होनिंग प्रोसेस. तो होनिंग प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हमें फिनिशिंग के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए. बेसिकली फिनिशिंग ऑपरेशन क्या है, ठीक है. तो फिनिशिंग ऑपरेशन और बाकी मशीनिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, ये जानना जरूरी है. तो मशीनिंग ऑपरेशन में भी मटेरियल रिमूवल होता है और फिनिशिंग ऑपरेशन में भी मटेरियल रिमूवल होता है. बट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल इन मशीनिंग इज मोर एज कंपेयर टू द फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है. जैसे कि अब चाहे आप होनिंग ऑपरेशन पढ़िए, चाहे लैपिंग ऑपरेशन पढ़िए, इन सब में आप एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. एब्रेसिव पार्टिकल फिर क्या होता है? एब्रेसिव पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसका ओरिएंटेशन रैंडम होता है, ठीक है. अब इसी एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन में भी करते हैं. लेकिन ग्राइंडिंग बेसिकली आपका एक मशीनिंग ऑपरेशन कह सकते हैं. उसमें मटेरियल रिमूवल ज्यादा होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल विद रिस्पेक्ट टू दीज फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है. तो मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू द ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ग्राइंडिंग ऑपरेशन के कंपेरिजन में इस फिनिशिंग ऑपरेशन में, इन फिनिशिंग ऑपरेशन में मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है. फिनिशिंग पर्पस के लिए इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इन प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग फिनिशिंग पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल आप होनिंग में भी कर सकते हैं, लैपिंग में कर सकते हैं, लेकिन इसमें मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राइंडिंग. इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑपरेशंस मींस होनिंग एंड लैपिंग, देयर आर वेरियस फिनिशिंग ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल सुपर फिनिशिंग, बफिंग वेयर एब्रेसिव्स आर यूज्ड, ठीक है. तो सुपर फिनिशिंग और बफिंग वगैरह में भी हम एब्रेसिव का इस्तेमाल करके फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लेकिन अब फिनिशिंग के मान लिया कई ऑपरेशन आपके पास अवेलेबल हैं, तो इसमें से अभी हम होनिंग और लैपिंग के ऊपर बात करेंगे इस टॉपिक में. तो बेसिकली होनिंग क्या होता है? होनिंग एक, जैसा कि हमने बताया कि फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें कि एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मटेरियल रिमूवल. और जैसा कि आप जान रहे हैं, शुरू में ही बताया गया कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल जो होता है, मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो भी कम होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल भी कम होता है, ठीक है. कम मटेरियल रिमूव होगा और मटेरियल रिमूवल रेट जो होगा, मटेरियल रिमूवल का रेट जो होगा वो भी कम होगा, ठीक है. तो अब होनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं. तो होनिंग में जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये होनिंग स्टिक्स लगे होते हैं. ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये होनिंग स्टिक्स है, ठीक है. ये आपका टॉप व्यू है, ये होनिंग ऑपरेशन का टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है. तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो यही दिखाई देगा, ये होनिंग स्टिक्स है लगे हुए, ये होनिंग स्टिक्स लगे हुए हैं. और ये रिवोल्यूशन रोटेशन ऑफ होनिंग टूल, ये आपका होनिंग टूल है, ये आपका वर्क पीस है. अच्छा, एक बेसिक चीज जो हम बताने में भूल गए, अभी बता रहे हैं कि होनिंग ऑपरेशन आपका इंटरनल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग करता है. मान लिया ये वर्क पीस है, ये जो हैश लाइन है ये आपका वर्क पीस है. वर्क पीस का ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है. ये सरफेस जो है आपका इनर सरफेस है. तो इंटरनल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग आप होनिंग से करते हैं, ठीक है. जबकि लैपिंग से आप एक्सटर्नल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग करते हैं. ये डिफरेंस है होनिंग और लैपिंग में.
क्योंकि और भी डिफरेंसेस हैं होनिंग और लैपिंग में, मैं साइज और ग्रिड साइज, मटेरियल रिमूवल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल, प्रेशर, ये सब में अंतर है, लेकिन ठीक है। बेसिक मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि होनिंग ऑपरेशन में आप इंटरनल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग करते हैं और लैपिंग में आप एक्सटर्नल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, द होनिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द इनसाइड सरफेस ऑफ अ होल, हियर द एब्रेसिव्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिक, एब्रेसिव किस फॉर्म में होते हैं, स्टिक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपका यह स्टिक है, ये देखिए डॉटेड हम बना दे रहे हैं, डॉटेड जो बना दे रहे हैं यही, ये आपका स्टिक है, ये वाला पार्ट, ये स्टिक है, ये स्टिक है, ये सब ये चार स्टिक इसमें बने हुए हैं, ठीक है। हियर द एब्रेसिव्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिक्स आर माउंटेड इन अ मैंड्रेल, मैंड्रेल बेसिकली एक शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है, शाफ्ट के तरीके की चीज होती है उसको मैंड्रेल बोलते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली आपका मैंड्रेल, ठीक है, इसी से कनेक्टेड है ये आपका स्टिक, होनिंग स्टिक, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक तो ये रोटेट भी करता है और एक अप डाउन मूवमेंट भी करता है, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी मूव करता है और रोटेट भी करता है, ठीक है। तो रोटरी मोशन भी होता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होता है, ठीक है। तो हियर द एब्रेसिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टिक्स आर माउंटेड ऑन अ मैंड्रेल विच इज देन गिवन अ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, ये रेसिप्रोकेट करता है, मूवमेंट जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट अलॉन्ग द होल एक्सिस। अब ये जो है वर्कपीस आपका, ये है, ये वर्कपीस है, इसका होल, ये वाला पार्ट, ये इसका होल है, ठीक है। तो इसके होल एक्सिस के अलॉन्ग ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, अलॉन्ग द होल एक्सिस सुपर इम्पोज ऑन अ यूनिफॉर्म रोटरी मोशन। तो ये तो रेसिप्रोकेट भी करता है और रोटेट भी करता है, दोनों चीज। अच्छा, ये दोनों फिगर जो है आपको होनिंग का है, होनिंग ऑपरेशन का, ये दोनों फिगर है, ये आपका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकेट भी करता है और रोटेट भी करता है, देखिए रोटेट भी करता है, रोटेशन ऑफ द होनिंग टूल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है। दोनों तरीके का मूवमेंट इसमें देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये रेसिप्रोकेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, रोटरी मोशन, ठीक है। तो दोनों चीज हो रही हैं, ठीक है, आपका सुपर इम्पोज हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ साथ रोटरी मोशन के फॉर्म में, ठीक है। द ग्रिड साइज इज नॉर्मली वेरीज फ्रॉम, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं इनका जो ग्रिड साइज है वो वेरी करता है किससे, 800 से वो 80 से लेकर 600 मेस, जो ग्रिड साइज है वो 80 से लेकर 600 मेस साइज होता है, 80 to 600 मेस। तो ग्रिड साइज है जो एब्रेसिव पार्टिकल का, जो ग्रिड साइज है वो साइज क्या है, 80 to 600 मेस, 80 to 600 मेस। अब ये मेस क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल के साइज को हम मेस के फॉर्म में कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेस बराबर, इसको ऐसे कह सकते हैं, एक स्क्वायर इंच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिड साइज 600 मेस है तो इसका मतलब उसका एक्चुअल साइज वाकई बहुत महीन, बहुत फाइन पार्टिकल वो होगा, क्योंकि एक स्क्वायर इंच में मैक्सिमम 600 एब्रेसिव पार्टिकल सेट हो पाएंगे। तो हम कहेंगे ग्रिड साइज का 600 मेस है, लेकिन अगर किसी एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिड साइज 100 मेस है तो इसका मतलब एक स्क्वायर इंच में मैक्सिमम 100 ही एब्रेसिव पार्टिकल सेट हो पाएंगे। तो अगर मैक्सिमम 100 सेट हो पाएंगे इसका मतलब उसका एक्चुअल साइज जो होगा एब्रेसिव पार्टिकल का 100 मेस वाले का बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया कहते हैं कि एक एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिड साइज 100 मेस है तो इसका मतलब एक एब्रेसिव पार्टिकल का साइज क्या होगा, 1/100 स्क्वायर इंच,
ठीक है, 100 100 100 100 इस तरीके से 100 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, एक स्क्वायर इंच में 100 ही एब्रेसिव पार्टिकल मैक्सिमम सेट हो पाएंगे। एक का साइज क्या होगा, 1/100 स्क्वायर इंच, और अगर 600 में साइज होगा तो एक का क्या होगा, 1/600 स्क्वायर इंच, 1/600 की वैल्यू छोटी होगी ना, इसीलिए एब्रेसिव पार्टिकल का जितना बड़ा मैस साइज होता है उसका एक्चुअल साइज उतना ही छोटा होता है। ठीक है, 80 से लेकर 600 मैस साइज होगा आपका एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिड साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द एब्रेसिव ग्रिड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वर्क, अ रैंडम क्रॉस मार्ग सर्फेस फिनिश, उसका पाथ का मूवमेंट किस तरीके से होता है, एक तो ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा है और एक रोटेट भी कर रहा है, तो रैंडम क्रॉस मार्ग सर्फेस फिनिश आपको मिलता है, विच इज डिजायरेबल फॉर लुब्रिकेशन ये मिल जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क मटेरियल होनिंग स्पीड में वेरी फ्रॉम 15-60 मीटर पर मिनट, 15 से लेके 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, 15-60 मीटर पर मिनट होनिंग स्पीड इतनी मिलती है आपको। ठीक है, एंड होनिंग प्रेशर लाइज इन द रेंज ऑफ 1-3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 1-3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, प्रेशर कितना होता है 1-3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इन स्पेशल केस, इन स्पेशल केसेस मटेरियल अप टू 0.5 mm में बी रिमूव्ड बाय होनिंग, द टॉलरेंस आपका 0.0025 mm अचीव किया जा सकता है, और आपका जो फिनिशिंग का ऑर्डर है, फिनिश इज ऑर्डर ऑफ 0.25 माइक्रोमीटर, इस डिग्री की फिनिशिंग आपको मिलती है, तो हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग मिलती है, टॉलरेंस टाइट होता है, प्रेशर 1-3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, एब्रेसिव पार्टिकल का जो साइज होता है वो 80 से 600 मैस होता है, और स्पीड 15 से 60 मीटर पर मिनट होता है। ये बेसिकली आपका होनिंग प्रोसेस है। तो ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली मान लिया एक कैप है आपका, इस कैप की इंटरनल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग करनी है, तो क्या होता है, दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक अप और डाउन मूवमेंट होता है होनिंग स्टिक का, और दूसरा रोटेट भी करता है, तो इससे इंटरनल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात करेंगे हम लोग लैपिंग की, लैपिंग क्या होता है, लैपिंग भी आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, लेकिन ये आपके एक्सटर्नल सरफेस की सरफेस फिनिशिंग आप इससे करते हैं। ठीक है, तो लैपिंग इज अनदर ऑपरेशन फॉर इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड फिनिश, लैपिंग इज अनदर ऑपरेशन फॉर इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड फिनिश, इट इज एकम्प्लिस्ड बाय एब्रेसिव्स ऑफ रेंज 120 से 1200 mm, जो ग्रिड साइज होता है वो 120 से लेके 1200 मैस होता है लैपिंग में, 120-1200 mm। अ लैप इज जनरली मेड अप ऑफ मटेरियल सॉफ्टर देन द वर्क मटेरियल, ध्यान दीजिएगा लैप किसका बना होता है, सॉफ्टर देन द वर्क मटेरियल, लैप इज जनरली मेड ऑफ अ मटेरियल सॉफ्टर देन द वर्क मटेरियल, इन दिस प्रोसेस स्ट्रेट एंड नैरो ग्रूव्स आर कट, क्या किया था, स्ट्रेट एंड नैरो ग्रूव्स आर कट एट 90 degrees, एट 90 degrees, स्ट्रेट एंड नैरो ग्रूव्स आर कट एट 90 degrees, किसके अंदर, स्लैब के अंदर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस स्ट्रेट एंड नैरो ग्रूव्स आर कट एट 90 degrees ऑन द लैब सर्फेस, एंड दिस सर्फेस इज चार्ज बाय स्प्रिंकलिंग द एब्रेसिव पाउडर, अब इसके अंदर हम एब्रेसिव पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं, एब्रेसिव पाउडर कौन सा पाउडर, ऐसे एब्रेसिव पार्टिकल्स जिनका ओरिएंटेशन रैंडम हो। अच्छा, उसके ओरिएंटेशन और उसके उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मान लिया रैपिड उसका ओरिएंटेशन रैंडम जो होता है, तो अब जब आप मशीनिंग या फिनिशिंग कर रहे होते हैं तो वो उसका
एंगल मशीनिंग के दौरान या फिनिशिंग के दौरान बदलता रहता है, तो उससे नंबर ऑफ कटिंग एजेस अपने आप प्रिपेयर होते रहते हैं, आपको अलग से एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आपकी जो फिनिशिंग या मशीनिंग होती है उसमें टूल को आप मेंटेन करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। यह बेनिफिट होता है एब्रेसिव पार्टिकल के इस्तेमाल करने से, ठीक है। इन दिस प्रोसेस स्ट्रेट एंड नैरो ग्रूव्स आर कट एट 90 डिग्री ऑन द लैब सरफेस एंड द सरफेस इज चार्ज्ड बाय स्प्रिंकलिंग द एब्रेसिव पाउडर्स। द वर्क पीस इज हेल्ड अगेंस्ट अ लैब, लैब के अगेंस्ट इसको हेल्ड कर रोक देते हैं एंड मूव विद अनरिपीटेड पाथ। मूव कैसे कराते हैं? अनरिपीटेड पाथ, वो भी आर्ट की तरीके से। अनरिपीटेड पाथ क्यों मूव कराते हैं? क्योंकि अगर एक ही पाथ पे हम मूव कराएंगे तो एक ही जगह पे फिनिशिंग देगा ना बार बार, तो हम क्या करते हैं अनरिपीटेड पाथ, मतलब एक बार ऐसे आर्ट बना दिए फिर उस पाथ को हम दोबारा फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया अनरिपीटेड पाथ, ताकि मैक्सिमम एरिया को वो कवर कर सके, ठीक है, समझ में आ रहा है। द वर्क पीस इज देन हेल्ड अगेंस्ट द लैब एंड मूव्ड इन अनरिपीटेड पाथ, अ सुटेबल कटिंग फ्लूड इज अप्लाइड फॉर द लैपिंग, ठीक है। अब दो तरीके की लैपिंग होगी, आपकी हैंड लैपिंग भी हो सकती है और मशीन लैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। मशीन इसमें ये चीज होगा सुटेबल कटिंग फ्लूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हैंड लैपिंग द वर्क इज मूव्ड ओवर द लैप अलोंग द पाथ इन द फॉर्म ऑफ एट। ये किस तरीके का पाथ फॉलो करता है? ये एट की तरीके से इसे घुमाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकें, और वो भी एट कैसा? नॉन रिपीटेड। एक बार आठ ऐसे बनाया फिर आठ, एक बार ऐसे आप बनाया आठ, फिर हम दूसरे पोजीशन पे जाएंगे, फिर हम दूसरे पोजीशन पे, मतलब आठ ही बनाएंगे लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ को सेलेक्ट करेंगे, नॉन रिपीटेटिव पाथ, मतलब एक बार जहां जाएंगे उस पाथ को दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे ताकि मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सके। द वर्क इज मूव्ड ओवर द लैब अलोंग अ पाथ इन द फॉर्म ऑफ एट। मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर लैपिंग, ठीक है, मशीन भी अवेलेबल है लैपिंग के लिए। द मटेरियल रिमूवल इज शेल्डम मोर देन 0.0025 mm, नॉर्मली 0.0025 mm तक आपका मटेरियल रिमूवल होता है, ठीक है, मटेरियल रिमूवल आपका इतना होता है 0.0025 mm तक। द लैपिंग प्रेशर इज जनरली केप्ट इन द रेंज ऑफ 0.01 से 0.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक लैपिंग प्रेशर आप मेंटेन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ द वर्क मटेरियल। वर्क मटेरियल के हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैपिंग और आपका होनिंग प्रोसेस। बेसिकली इसमें ये जानना है होनिंग आपका इंटरनल सर्फेस की सर्फेस फिनिशिंग करता है और लैपिंग आपका एक्सटर्नल सर्फेस की सर्फेस फिनिशिंग करता है, ठीक है। इसमें ग्रिड साइज 120 से 1200 mesh होता है, इसमें जो मटेरियल रिमूवल होता है 0.0025 mm तक होता है, प्रेशर 0.01 से 0.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, 8 फॉलो करता है पाथ और वो भी 8 की तरीके से, मतलब वो मूवमेंट जो होता है वर्क पीस का ऑन द लैप 8 होता है और नॉन रिपीटेड पाथ होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में लोग बाकी चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके।